उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगरा के 27 परीक्षा केंद्रों पर 24,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में भी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से विभिन्न विभिन्न जनपदों से अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए आगरा आएंगे। उत्तर प्रदेश सिपाही जो भर्ती परीक्षा है उसकी पहली जो पारी समाप्त हो गई है, परीक्षार्थी आना अब शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे परीक्षार्थी आना शुरू हो गए हैं। पर इससे सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई थी। जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, महिला ये पुलिसकर्मी है, साथ में पुलिस जो पुरुष परीक्षार्थी जो पुलिसकर्मी भी हैं, दोनों तरह की फोर्सों को यहाँ पर रखा गया था कि ताकि जो है किस तरह से ये हालात यहाँ बने हुए हैं उन पर नज़र रखेंगे और जो परीक्षार्थी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा रहा आज का पेपर? सही हुआ। क्या क्या आया था, कितने नंबर्स मार्क्स का था? 150 क्वेश्चन थे, 300 नंबर के थे। कौन कौन से विषय के आए थे इसमें? हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ। अच्छा हुआ पेपर। हाँ सही हुआ। और भी परीक्षार्थी? अच्छा आप बताएं कैसा रहा आज का? जो सही रहा मेरा स्कोर, अब रिजल्ट बताएगा कि क्या है। अच्छा आप बताएं कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। मतलब कितने उसके आए थे? 120 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। 150 में से? तो मतलब कौन कौन से विषय आए थे उसमें? जो रीजनिंग, जीएस और मैथ, हिंदी। और भी? अच्छा आप बताएं कैसा रहा आज का पेपर? अच्छा था पेपर। आप काफ़ी जो परीक्षार्थियों बता रहे हैं कि पेपर काफ़ी अच्छा गया है और बड़ा अच्छा पेपर था, और भी परीक्षार्थी आ रहे हैं लगातार, उनसे बात करने का प्रयास करें क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं और अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग परीक्षार्थियों को। अच्छा आप बताएं कि आप ये परीक्षा देने के लिए आई थी? कोई बता नहीं पा रहा है अभी, जो बात करेंगे। अच्छा आप बताओ कैसा रहा आज का पेपर? बहुत बढ़िया रहा। कितने नंबर आ सकते हैं? क्या कितने नंबर आ सकते हैं? 129 सही है मेरे। 129 सही है। अच्छा ठीक है ठीक है। और भी जो परीक्षार्थी हैं बड़े, आप बताओ कैसा रहा आज का पेपर? आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। कितने मार्क्स का था? 150। कितने करके आए हो? लमसम 90 किए हैं। नेगेटिव मार्किंग भी थी? जी जी। अच्छा कितने बजे यहाँ पर आपकी एंट्री हुई थी सुबह? जब 9:30 बजे लास्ट एंट्री था। 9:30 बजे। कितना समय लगा अंदर पहुँचने, क्योंकि 10 बजे से एग्ज़ाम था? 10 से 12। 10 से 12 जी। तो कोई मतलब असुविधा हुई कोई उसमें? कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा रहा सर। धन्यवाद आपका। और भी परीक्षार्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ती चली आ रही है, क्योंकि ये लगातार वो भीड़ है, ये वो भविष्य के सिपाही हैं जो जो है पुलिस में जाएंगे और वो कहीं ना कहीं जो है भर्तियों को उसमें वो करेंगे। अरे अरे भैया एक मिनट, कैसा रहा आज का पेपर? हाँ बहुत बढ़िया रहा। कहाँ से देने के लिए? मैं बनारस से आया हूँ, रहने वाला अलीगढ़ का हूँ। तो कैसे आए थे, बस से, ट्रेन से? कैसे आए? बस से आया था मैं। निशुल्क सर्विस थी? हाँ निशुल्क, मेरा 1411 रुपये उस पर लिखवाया जाता है पहले कि कितना भाड़ा है, वहाँ से बनारस से आगरा के लिए 1411 उसमें लिखवाया था, साइन कराए थे और एडमिट कार्ड जमा कर लिया था, बस यही हुआ, फ्री था, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऐसी वापस जाओगे तो कहाँ जाओगे? बनारस ही जाऊँगा, BHU का स्टूडेंट हूँ मैं, उधर से ही आया हूँ। बाई ट्रेन जाएंगे? कैसे जाएंगे? बस से ही जाऊँगा, उससे ही वो 7 बजे जाएगी बस। कनेक्टर भैया ने मेरे को बताया था कि वापस से 7 बजे जाएगी, तो अभी मैं ISBD जाऊँगा यहाँ से, और सीधे वो बता रहे थे कि एक एडमिट कार्ड ले आना, वापस भी फ्री होगा। और भी जो परीक्षार्थी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या रहा। अच्छा भैया कैसा रहा आज का पेपर? बढ़िया पेपर। कहाँ से आए पेपर देने? अलीगढ़ से। तो कैसे आए थे अब यहाँ पर? बस से आया था मैं। फ्री सर्विस थी? हाँ फ्री सर्विस। भीड़ वगैरह थी बस में? नहीं भीड़ नहीं थी, बाद में भीड़ बढ़ती गई धीमे धीमे। ये स्टार्टिंग से आया था। कितने नंबर करके आया? मैं सर 120 120 क्वेश्चन करके आया हूँ। नेगेटिव मार्किंग भी? हाँ 0.5 की है, 2.5 की है, नेगेटिव मार्किंग है। धन्यवाद आपका। और भी परीक्षार्थियों से बात करेंगे, कुछ महिला अभ्यर्थियों से बात करेंगे। अच्छा आप बताएं कहाँ से आए पेपर देने के लिए? आप सिरगढ़ से। तो यहाँ परीक्षार्थी काफ़ी अलग अलग जगह से आए हैं, पूरे यूपी से परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं, और कुल मिलाकर कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा पेपर गया है। जिससे भी हमारी बात हुई उनने बताया कि 100 से भी अधिक उनके जो है मार्क्स जो है वो आने की संभावना है, क्योंकि 150 का ही पेपर था, किसी के 110 करके आया, कोई 120 करके आया, तो कहीं ना कहीं अच्छा पेपर बता रहे हैं। पर तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि कितने मार्क्स कितने आएंगे, क्योंकि जितना एग्ज़ाम अच्छा होगा उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि उसकी मेरिट बन पाएगी। अपने साथ ही राहुल सान के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।